चैनल एबीरॉक्स टीम्स, तुम आप लोगों के लिए आ गए भाइयों मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा REI और सीज भाइयों LIL के बीच पूरा लीग वन का। तो बात करूं भाइयों इसकी, आपको टीम फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ABROCKZZ ड्रीम 11 टीम्स। पिछली टीम में किसी कारण दे नहीं पाया था, रॉन्ग लाइनअप्स के कारण भाइयों यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत हो गया है, क्योंकि आपको पता है ड्रीम 11 आज सुबह से दो मैचेस में गलत लाइनअप्स दे के चेंज कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही भाई झेलनी पड़ती है कि एक तो फुटबॉल में कोई ऐसा प्लेयर गोल कर जाएगा ना, वो लाइनअप्स में नहीं होगा ना उसकी कोई सिलेक्शन होगी, तो ये सबसे गंदी आदत लगती है। देखो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल लाइनअप्स पर मैं टीम बनाता हूँ, क्योंकि भाई ये फुटबॉल ऐसा खेला जैसे कि एक प्लेयर इंजरी हो गया तो उसकी जगह कोई और भी आ सकता है, इसलिए फुटबॉल में तो भाई फुटबॉल गेम ऑलवेज रिस्की रहती है, लेकिन जब क्रिकेट में ऐसा होता है ना तो दिल को दुख होता है भाइयों। तभी मैं आपको यही बोलूँगा यूरोपियन T10 मतलब मत खेलो, मतलब अभी आपको पता ही है ये जो एक लीग चल रही है साइप्रस लीग, कल से एक नई लीग स्टार्ट हो रही है यूरोपियन रोम, उसमें देखना भाइयों क्या करता हूँ मैं खेल। और बात करूँ गोलकीपर की तो यहाँ से लूँगा MEGAN को, तो MEGAN की अगर मैं बात करूँ, MEGAN जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, जाता तो मैं यहाँ से P.Rajkovic के साथ भी जा सकता था, लेकिन मैं इसके साथ इसलिए नहीं गया REI वर्सेज LIL के बीच भाइयों REI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो LIL मैं इसके साथ इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज भाइयों LIL का गोलकीपर आज कुछ खतरनाक वर्क करेगा, क्योंकि भाइयों ओपोनेंट टीम काफ़ी हार्ड है। बात करूँ अगर मैं डिफेंडर की तो यहाँ से लूँगा S.Botman को, S.Botman के साथ इसलिए जा रहा क्योंकि भाइयों अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गोल या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड असिस्ट हुई तो क्या पता भाइयों ये प्लेयर असिस्ट कर सकता है, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी हाई है। और नीचे से मैं लूँगा थोड़े लो प्लेयर्स जिनका नाम है भाइयों यूनिस अब्दुल मईद, जो कि मैं आपको बताऊँ आज मुझे इस पर शक है कि भाइयों इन तीनों प्लेयर्स पर जो आप देख रहे हैं G.Konnan एंड T.Phocat, इन पे मुझे ये है भाइयों शक कि आज अगर इनकी टीम ने गोल किया, जैसे पिछली बार तो मान लो सिर्फ एक दो गोल ही हुए थे इनकी टीम से, ओपोनेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी ओपोनेंट टीम है नहीं, तो आई थिंक अगर आज इन तीनों में से किसी ने भी विदाउट गोल एंड असिस्ट के हमें 5 से 6 पॉइंट दे दिए तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप समझो लग गई, क्योंकि भाइयों आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें जो मुझे टॉप का प्लेयर लगता है G.Konnan। G.Konnan का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, एवरेज रिकॉर्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी जो दोनों प्लेयर्स हैं जैसे कि T.Phocat ये काफ़ी एवरेज प्लेयर हैं। बात करूँ मिडफील्डर की तो मिडफील्डर से लेने वाला भाइयों एक्सा को, जो कि मैं आपको बता दूँ एक्सा का एक ऐसा नॉर्मल प्लेयर है जो कि इस पिछले मैच में असिस्ट करके गया था, अनएक्सपेक्टेड असिस्ट थी इस बंदे की। और B.Andre की बात करूँ, B.Andre के साथ चाहो तो आप इसकी जगह इसके साथ भी जा सकते हो, आर सैंचेस की तरह साथ, आर सैंचेस एंड B.Andre दोनों टॉप के प्लेयर है, लेकिन आर सैंचेस रिस्की है, B.Andre सेफ है, और अगर दोनों में से अच्छाई की बात करूँ तो आर सैंचेस इससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। आगे से बात करूँ भाइयों नीचे से मैं लेने वाला हूँ काफ़ी एक और अच्छा प्लेयर जिसका नाम है एक्सेवियर, ये बंदा इनकी टीम में नहीं भाइयों काफ़ी और अलग अलग लीग्स में भी खेला हुआ है, जैसे कि लीग वन को छोड़ के काफ़ी अदर लीग्स में भी खेला है, और बंदे के अंदर असिस्ट करने की अधिक क्षमता है भाइयों। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो B.Tor प्रीवियस मैच में इसने 16 पॉइंट्स दिए थे, जो कि आप देख सकते हैं सिंगल गोल प्लस असिस्ट, मतलब गोल के साथ असिस्ट करना यार मतलब कमाल की बात है, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेयर में से। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा B.Dia को, B.Dia की सिलेक्शन पिछली बार 62% थी एंड इसने भी सिंगल गोल किया था और बहुत ही ज़बरदस्त खेल के गया था, इवन बहुत ही ज़बरदस्त। जे बम्बा की बात करूँ, जे बम्बा भी प्रीवियस मैच में आप देख सकते हैं गोल करके गया था, बराबर की टक्कर है, लेकिन मेरे को जो लग रहा है REI जीतेगी। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन मेरा रहने B.Tor और वाइस कैप्टन B.Dia, तो ध्यान से रखना भाइयों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एक बार अपनी टीम दिखाना चाहूंगा, तो ये रही मेरी कुछ टीम ध्यान से देख लो, तो बाकी फाइनल टीम मैं पोस्ट कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। मिलता हूं भाइयों अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन।